दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीता भारत तो भड़क उठी आन्या मिर्जा ने भारतीय टीम पर ही उगला जहर। कह डाली ऐसी होश उड़ा देने वाली बात की सुनकर पूरा भारत देश हुआ आग बबूला। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने ऐसा मुंह तोड़ करारा जवाब देकर किया शांत की सुनकर पूरा भारत कर रहा है उनको सलाम। तो दोस्तों आन्या मिर्जा और हार्दिक पांड्या के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद जो ये बहस हुई है वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि भारत पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में से कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेगा। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। तो वही हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही यादगार था, क्योंकि इस टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने जहां पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 227 रन बनाए थे तो वहीं जवाब में ऋषभ पंत और सुरेश अय्यर की 150 रनों की साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया 334 रन बना पाई थी और 87 रनों की बढ़त भारत को मिल गई थी। और फिर दूसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 231 रनों पर ही ढेर हो गई, जिसके चलते यहाँ पर भारत को लक्ष्य मिला 145 रनों का। और वहीं दोस्तों तीसरे दिन भारत के 4 बड़े विकेट केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के रूप में गिर चुके थे और लग रहा था कि भारतीय टीम कहीं मैच हार ना जाए। लेकिन दोस्तों चौथे दिन जब ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद सुरेश अय्यर और रविचंद्रन अश्विन मैदान पर उतरे, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 71 रन जोड़ लिए और भारतीय टीम को 145 रन तक पहुंचा दिया, जिसके चलते टीम इंडिया को यहां जीत हासिल हुई। और वहीं हम आपको बता दें कि 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भी ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा मुकाम हासिल कर लिया है। और पॉइंट टेबल में ये बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद अब भारत का लगभग फाइनल खेलना पूरी तरह से तय भी माना जा रहा है। और अब 2-0 से जब बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज जीत ली है तो अब भारतीय मूल की निवासी जो कि पाकिस्तान में रहती हैं सानिया मिर्जा, उन्होंने भारतीय टीम पर भड़ास निकालते हुए ऐसी खून खोला देने वाली बात कही है कि सुनकर आपका भी गुस्सा भड़क उठेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सानिया मिर्जा कहती है कि आखिरकार भारत ने भी बांग्लादेश में जाकर वही हरकत कर डाली जो कि वो अन्य देशों में जाकर करता है। चाहे मैच को हार रहा हो या फिर जीत रहा हो, वो अंत में जाकर जब दिन का खेल समाप्त होता है तभी भारतीय टीम की जीत निश्चित हो जाती है। हालांकि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम आज चौथे दिन भारत से कई गुना ज्यादा आगे थी और दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि भारत की टीम यहाँ मैच जीत भी पाएगी। अगर किसी टीम के 7 विकेट 74 रन पर ही गिर जाए और उसको लक्ष्य मिला हो 145 रनों का तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम का जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर न जाने बांग्लादेश की गेंदबाज जो कि पहले हाफ में तो अच्छी गेंदबाजी करवा रहे थे लेकिन जैसे ही सुरेश अय्यर और रविचंद्रन अश्विन मैदान पर उतरे तो उन्होंने न जाने किस तरह की गेंदबाजी करवाई कि विकेट लेने के चांस बने नहीं और बल्कि 1 विकेट अश्विन का मिल भी जाता बांग्लादेश को लेकिन वहां पर मोमिनुल हक ने वो कैच छोड़ दिया। तो इसे देखकर तो मुझे साफ लगता है कि भारत ने आखिर एक बार फिर से टेस्ट सीरीज अपने नाम की है, वो भी पैसे देकर, क्योंकि बांग्लादेश एक गरीब देश है और भारत के खिलाड़ियों ने इसी बात का फायदा उठाते हुए मुंह बोली रकम देकर मैच को जीता है। क्योंकि भारत जानता था कि अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला वो हारा तो सीरीज में तो उनको नुकसान होगा ही और साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में भी भारत का स्तर बहुत नीचे तक गिर जाएगा और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और अब आप देख लेना कि आगे जितने भी मैचेस होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के, उन्हें भी भारत ही जीतेगा चाहे ऑस्ट्रेलिया कितनी भी मजबूत टीम हो। तो दोस्तों यहाँ पर सानिया मिर्जा ने ये बड़ी बातें कहकर सही में लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों को आग बबूला कर दिया। लेकिन दोस्तों इनकी ये बातें सुनकर हार्दिक पांड्या कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने अपने घर बैठे बैठे ही इनको मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए कहा कि हमारी टीम के खिलाड़ियों के पास काफी स्किल्स है, हमें पैसे देकर मैच जीतने की जरूरत नहीं है और अगर हमें मैच जीतने भी होंगे तो पाकिस्तान को खरीद कर भी हम मैच आसानी से जीत सकते हैं। पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा पैसा तो हमारे खिलाड़ी ही लेकर घूमते हैं और हम चाहे जैसे भी जीते, सानिया को अपना मुंह हमेशा बंद ही रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने तो काफी मुंह तोड़ करारा जवाब देकर उनको शांत कर दिया। और अब आप सभी क्या मानते हो कि हार्दिक पांड्या ने जो कहा वो बिल्कुल सही है या फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।